आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल? तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स के जो कॉइल होती है, ठीक है, उसको हम लोग एक अलॉय से बनाते हैं, ना कि किसी प्योर मेटल से। इसकी रीजन क्या है? ठीक है, तो इसकी दो तीन रीजन मेन है। पहले कि अलॉय का कंपोजिशन क्या होता है, जनरली आपको मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स है और इलेक्ट्रिक आयरन्स है, इनकी जो अलॉय होती है वो नाइक्रोम होती है। उसका मेन कंपोजिशन क्या होता है? निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज, ठीक है, ये चारों मेन कॉम्पोजिट्स होती हैं उस नाइक्रोम की। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है किसी भी अलॉय की, इनफैक्ट कि अगर इनके जो भी कंस्टिट्यूट हैं उनसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी होती है जो अलॉय होती है उसकी, मतलब कि रेसिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम जो आप बोल सकते हो वो ज़्यादा होती है इन सभी इंडिविजुअल मेटल के रेसिस्टिविटी से, ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा? रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज़्यादा डिसिपेट होगी। तो वही हम लोग तो चाहते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन से ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करें, ठीक है। तो ये रीज़न होता है सबसे पहला। दूसरा रीज़न तो ये होता है कि ये कभी जो एलॉय होती है वो कभी ऑक्सीडाइज नहीं करती है, मतलब कि जलती नहीं है, वो अपने आप को नहीं जला पाती है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो आइटम्स होता है वो सब सेफ होता है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हो गया। अब जो तीसरा रीज़न है वो हमारा ये है कि इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो भी आइटम सेफ होगा। तो ये तीन मेन रीज़न है हमारा जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स में एलॉय का यूज करते हैं, ना कि प्योर मेटल का, ठीक है।